ड्राफ्ट फॉर्म तो हम लोग दे दिया प्रिलिमिनरी में, और हम लोग देंगे कि सरकार को किस तरह से आईएलपी को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना चाहिए ना। क्या नाम है? कहाँ से बनवाया? तुम हम जब जो पूछा उसमें जवाब दो। क्या बात है? दूर में खराब है। बस्ती कहाँ है तुम्हारा? पास हो गए तो पास को हमेशा कैरी करेगा, समझा है ना? पास कैरी करने का तो कोई बाजार निकलता है, कहीं भी जाता है पास कैरी करके। एक बार पास भी बना लिया, हम घर में बक्सा में रहेगा, मेरा पास बक्सा में है, वो कैसे रह सकते हैं? जब एजेंट मैन ऑफिसर डिमांड करता है, पुलिस डिमांड करता है, राइट? और माँ को भेजो उधर से लेके आने दो, थाना में लेके आए थे नहीं सुन। अरे डेली हम लोग ढूंढते हैं बस, तो लेके तो नहीं बात लेके नहीं सुने का कैसा होगा जाओ। ओ भाई उठा के, उठा के ले जाओ, सारे ऊपर हो। मम्मी को रहने दे, जहाँ पास घर से लेके आ जाना, और मम्मी को रहने दे, जहाँ घर से लेके घर सामने थाना में लेके आता है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ में? कोई भी ऑफिसर कोई पुलिस आदमी पूछेगा दिखाना ही पड़ेगा। फोन में बुके मत, और बाप को पॉकेट में लगाना है, पॉकेट में बुको, उसके बाद दिखाओ, जब डिमांड करता है तब दिखाओ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करेगा, समझा है ना? अरुणाचल एक रेस्ट्रिक्शन एरिया है, एक प्रोटेक्ट दे रहे हैं यहाँ, समझा है ना? यहाँ बिना पास का ऐसे घूमना मना है, इतना जान के रहो। My brother is still working here. So I am here. Okay, he can stay. Yeah, yeah. I am here for my, because I'm not working here. I am here on vacation to see my mom. Then it's okay. Otherwise, no. Yeah. People used to stay for decades, no. Then what's the use of issuing ILP? I don't actually understand. That's what I mean. Like, since the 70s, we are already facing a demography changes now. See, you can see the scenario. Do you feel that this is in Arunachal? We are in Arunachal Pradesh. This is the condition. And most of them are without ILP, without following the law of the land. We are not doing any illegal activity. No? So better please keep with you your lady, you know. Therefore, we can't handle it. ज्यादा उल्टा पुल्टा आप लोग करता है, यहाँ में ज्यादा ट्रैफिक रुपी करता है ना, अच्छा से रहो। वैलिडिटी खत्म हो रहा है, भेज दिया। हाँ रेनू के लिए भेजा है भाई। कल कब भेजा? कल खाली करो मोबाइल आपका तो हम लोग फिर चेक करेगा। कब तक रिन्यू हो जाएगा आपका ये? एक सप्ताह के अंदर में आ जाएगा बोले। एक सप्ताह का जैसे भी करना है। हाँ ठीक है सर। हम लोग तो सर आपको सुबह से कहाँ कहाँ में विजिट किया सर, अभी तक कितना लोगों को पता है कि ना पास? हम लोग सुबह से आईएलपी ड्राइव कर रहा हूँ, अराउंड 9:30 से हम लोग शुरू किया है, और इसमें हम डीसी का, हमारा डिप्टी कमिश्नर का एक ऑर्डर है कि हमको थोड़ा रिगरस चेकिंग करना है आईएलपी को, और आज आईएलपी साथ में आपको चेक कर रहा है, हम लोग का साथ में ऐसा एक ऑर्डर है डीसी का कि वो बोल रहा है ये सासी SASI सासी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोग का टीम का साथ में हम लोग को पूरा, इन लोग का टीम को भी हम लोग का साथ में जोड़ा है आज, इसलिए हम लोग कंप्लीट नाहरलगन एरिया में राइट फ्रॉम निगम कॉलोनी सांदे मार्केट और पूरा वहां से शुरू करके आ गया, अभी करके हम लोग यहां में जी एक्सटेंशन नाहरलगन में अभी हम पूरा कर रहा है। अब तक हम लोग करीब
मोर देन 100 से ऊपर हम लोग अभी कर रहे हैं। सर जिसका पासेस नहीं है उसको क्या कार्रवाई किया जाए? जिसका पासेस नहीं है उसको हम ऐसा करेंगे, जिसका पासेस नहीं है उन लोग को हम लोग ऐसा करेगा, यहाँ से जहाँ से गेट तक पहुँचा देगा गेट से आने नहीं देगा। तो सर जिसका ये जो आपका जैसे कि आज आप लोग का फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज कब और कहाँ करेगा सर? सेकेंड फेज भी हम लोग देख के करेंगे, एक दो दिन हमारा ऑफिस काम भी तो है थोड़ा, एक दो दिन रुक के करेंगे। फिर ड्राफ्ट फॉर्म तो हम लोग दे दिया प्रिलिमिनरी में, और हम लोग देंगे कि सरकार को किस तरह से ILP को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना चाहिए ना, और यही हम लोग का मांग है। और आज जितना भी अरेस्टेड हुआ है मोर देन 200 पहुँच जाएगा होगा होते होते, तो उसको हम लोग सासी का तरफ से मेरा अभी लीगल सेल का अभी कहीं और गया है उसको भी हम लोग लेके आया है। हम लोग FIR रेडी किया है, FIR रजिस्टर करेंगे अंडर सेक्शन 3 ऑफ VFR एक्ट, उसको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होता है। क्योंकि यहाँ में बहुत सा ऐसा है जो फ्रिक्वेंट मीन्स ये 2-3 times डिफॉल्टर हो चुका है, उन लोग को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, ताकि लोगों जो बाहर से आने वाला ऐसा नहीं सोचना है कि ILP तो ऐसे एक पर्ची है, कागज है। एग्जाम्पलरी वो लोग को 1 ईयर पनिशमेंट, प्रॉपर ट्रायल होना है, उसको सासी फॉलो अप करेगा। ऐसे होने से डर पैदा होगा बाहर का ना, जो ILP नहीं लेके जो घुसने के लिए कोशिश करता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेगा बोल के चोरी करके रात को यहाँ से बंदरदुआ चेक से भाग जाएगा, गुमतों से भाग जाएगा, तो कौन पकड़ेगा? किसी को आपको इंटेंशन होगा, यहाँ से रैंसम देगा आपको, उसको मारना है बोलते, वो रात को आएगा मार के चला जाएगा, पुलिस चेकिंग नहीं होगा तो नहीं होता है। इसीलिए हम लोग वो है कि प्रॉपर ट्रायल होना है, एटलीस्ट एट मैक्स 50 आदमी सजा होना है, एक साल का इम्प्रिजनमेंट काटना है, तब जाके ही एक डर होगा कि ILP का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। नहीं तो 1000 का फाइन है उसमें प्रोविजन में, अगर 1000 का फाइन होता है तो 1000 प्रोटेक्ट आवर राइट ना, VFR में ILP में कैन 1000 प्रोटेक्ट आवर राइट, वो तो हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो 1000 तो ऐसे ही लेमैन एक यहाँ में भिखारी बैठा है वो लोग भी दे देगा। तो इसीलिए सरकार से हम लोग का, और हम लोग ये अभी मजिस्ट्रेट से भी बात करेंगे, तालो पोतम सर से भी बात करेंगे, और सरकार से भी बात करेंगे कि उनको जल्द से जल्द मीन्स प्रॉपर ट्रायल के बाद में इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, और ILP का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना है टूट एंड नेल, इट शुड बी इन प्रैक्टिकल, नो दे ए कैजुअल टेक ना, ऐसा नहीं होना है। और पुलिस प्रशासन से भी मांग है, हम लोग अभी सासी ऐसा करेगा, हम लोग लड़का डिप्लॉय करेगा, हम लोग उसको क्या बोलता है, हम लोग वहाँ जाके हिडनली हम लोग वीडियो वगैरह बनाएगा, हम लोग अगर आप लोग को लेते हुए पकड़ा गया या चेकिंग नहीं करते हुए अगर पकड़ा गया तो आप लोग को हम लोग कंप्लेन करेगा, उसमें भी तुरंत सस्पेंड होना है, टर्मिनेट करना है उसको, सस्पेंड भी नहीं करना है, जो हम लोग का फ्यूचर के लिए फ्यूचर का वो को केलवार करता है ना, यही था। और आप लोग का एनी क्वेश्चन? सर जो ये आता है वहाँ बाहर से काम करने, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जो लोकल है वो लोग ही इनिशिएट करके लाता है अपना काम के लिए, सर उसको लेके आपको क्या कहना होगा? वही, उसके लिए भी हमने सरकार से एक प्रोविजन बनाया है, जो कोई भी लोकल केयरऑफ बनता है ना, गार्जियन बन के जिसके लिए भी वो लेके आता है, अगर उसका केयरऑफ में अगर वो काम करो तुम करना पड़ेगा ये काम है, लेकिन अभी सोचते हैं वहाँ में 500 रुपया से मिल रहा है, 200 रुपया से मिल रहा है, उसको छोड़ दो नहीं बोलेगा बोल के, ऐसे ट्रेंड होकर हम लोग कल यहाँ में लेजीनेस बढ़ते जा रहा है। तो इस सिलसिला में और हम एडिंग करना चाहेगा कि हमारा युवा लड़का लोग जो भी है, अभी हम लोग कोबलर से लेके चीफ मिनिस्टर तक हम लोग का होना है, अरुणाचल शुड बी फॉर अरुणाचली, जैसे महाराथा में चलता है ऐसा चलना है, असम में जैसे अभी बोल रहा है ऐसा चलना है, अरुणाचल शुड बी फॉर अरुणाचली। अरुणाचली सम मेनी सेक्शन ऑफ यूथ आर एंगेज इन ड्रग्स एक्टिविटीज बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एनी सोर्स, गवर्नमेंट भी उसको नहीं दिखाता, इसलिए गवर्नमेंट से भी यही मांग है कि प्रो इंडिजीनियस स्पेशली यूथ को फोकस करके ना, वी आर द फ्यूचर, तो यूथ को फोकस करके प्रो इंडिजीनियस वाला ये आपका एंटरप्रीनरशिप में और छोटा छोटा स्किल में सरकार इस चीज़ में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन लाइक पॉम्प एंड गेटी सो इन जस्ट फेस्टिवल्स एंड ऑल, सरकार इस तरह का कदम उठाना चाहिए। और मेरा यूथ को भी हम लोग यही अपील करना चाहेगा कि आप शर्म मत करो ना, आप कोबलर भी शुरू कीजिए, बार्बर भी शुरू कीजिए, तेलावाला भी बनी है, उसके लिए हम लोग साथ है। और आप लोग को अगर ऐसा करना है, शर्म लग रहा है बोलने से, सासी को अप्रोच कीजिए, हम लोग आप लोग को गाइड करेगा कैसे करना है, उसके बाद हम लोग आपको हम लोग का वो में माटा में बिठाएगा, सर पे बिठाएगा, मीन्स आप लोग, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर, आप काम नहीं करेगा तो लोग तो आते रहेंगे ना, अभी हम लोग इसको भगाएगा चला जाएगा, उसके बाद एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा, एक वर्कमैन नहीं होगा, डेली वेजर नहीं होगा,
तो उसको कौन पील करेगा? हम लोग ही तो पील करना है ना, क्योंकि हम लोग का यहाँ में भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए हम ये युवा हमारा यूथ लोग से भी अपील करना चाहेगा, और ये सिलसिला में भी हम लोग ने कुछ रिसर्च आदमी लोग से भी बात किया है। कल परसों हम लोग ऐसा हो सकता है हम लोग टोल फ्री नंबर एक तो जारी करेगा, उसमें अभी क्योंकि ITI से पास होके या जो भी हो एक अब ट्रेंड होके ना रह रहा है लड़का लोग, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि आदमी लोग यहाँ आउटसाइडर मिल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग टोल फ्री नंबर एक देगा सोच रहा है। वो टोल फ्री नंबर में जो भी प्लम्बर काम करने दे रहे, कारपेंटर काम करेगा, कोबलर काम करेगा, वो हम लोग को बताएगा आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड बिकॉज वी सासी डोंट हैव एनी रिसोर्स बट वी विल टेक देम दोज हु आर ऑलरेडी ट्रेंड एंड देन वी विल अगेन रिप्ले इट इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक, पब्लिक में हम लोग निकल देगा ये लड़का लोग विलिंग टू वर्क, ये हम लोग का लोकल इंडिजीनियस है, इनको ही हायर कीजिए, वी रिकमेंड देम। तो उन लोग को हम लोग ये सोच रहा है कि हम लोग एक कपड़ा भी देगा, मींस उसमें लिखेगा कि आई विल वर्क फॉर माई राइट, आई विल वर्क टू प्रिजर्व मैने, ताकि वो एक तो अपना मीन्स एक इज्जत के साथ काम कर सके ना, ये भी हम लोग सोच रहा है। क्योंकि अब करो करो बोलने से भी लड़का लोग को रास्ता नहीं दिखाने से नहीं होता है ना, इसीलिए ये सिलसिला में भी ये मुहिम जो ना हम लोग अरुणाचल को बचाने के लिए ये मुहिम चेहरा हुआ है और आगे भी चलते रहेंगे। थैंक यू।